टोटल स्पीड इसका है 299। पूरा जल गया है, कपड़ा वपड़ा सब गया। भाई 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 भाई। और आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। छागल किलो चैनल जय जगन्नाथ। तो बहुत दिनों के बाद हम जा रहे हैं राइड पे। बहुत दिनों के बाद, बहुत गैप हो गया। तेरे लिए तो बहुत गैप हो गया। मेरे लिए बहुत गैप हो गया। लास्ट टाइम एक गया था ना हमारे, गया था जब भी ये जाता है आधे रास्ते तक जाता है ना। आधे रास्ते जा रहा है ना आज, पूरा जा रहा है। उसका बैग सिर्फ चंडीगोल तक कैपेबल है, उसके बाद नहीं है। नहीं, उसका बैग कैपेबल है चंडीगोल तक, बट वो कैपेबल है मतलब 4-5 दिन के राइड का। मतलब अंदर आ जाओ अंदर। एक्चुअली हम 4 जन हैं, हम 6 जन जा रहे हैं। पूरा का पूरा जो पावर क्रू है, आशीष और सचिन वो दोनों जा रहे हैं। पावर क्रू वो लोग कटक से ज्वाइन करेंगे। हम लोग आज यूजर काफी लेट, काफी लेट किस लिए? 7 बजे से तो मैं और पीयूष आकर के खड़े हैं। 7:15 को तो ये 15 ये आया 7:30 के बाद। जो लेट आ रहा है वही बोल रहा है, क्योंकि 15 मिनट में अपनी चाबी ढूंढ रहा है। ऊपर से ये कब आया कब गया कुछ पता भी नहीं चल रहा है। दैट बाइक यू नो इट्स नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ साउंड। नॉइज पोल्यूशन नहीं करना चाहता हूं इसलिए। ओनली बाइक पोल्यूशन, अननेसेसरी बाइक। प्रॉब्लम ये है नहीं तो थोड़ा क्या करें, माइंड मेकअप तो करना पड़ेगा। मैं एनीवे 650 को चाबी लगा करके रख करके आया हूं। साउंड तो इसका तो डुप्लीकेट एग्जॉस्ट है। तू क्या बोल रहा है? जो भी कर साउंड तो कर रहा है। अरे डुप्लीकेट एग्जॉस्ट है लेकिन जा रहा है ना गाड़ी। मैं तो 650 साफ करके रखे हम लोग देख रहे थे। हमें सबको लौटना पड़ा। हम देखे ठीक है कि गोटे राजदूत आ गोटे एसडी रो मिक्स साउंड आसला। मुझे राजदूत एसडी एक टिके होय बोलला देखला को मिस्टर जे जलस पेपर थोड़ा अब्बा डब्बा जब्बा। अच्छा मैं क्या बोल रहा था कि प्लान हमारा ये है कि हम आज जाएंगे केउंजर। तो केउंजर के पास में ही कुछ वाटरफॉल है, मतलब ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। पास में ही कुछ अच्छे अच्छे वाटरफॉल है जो कि थोड़ा अच्छे से एक्सप्लोर भी नहीं हुआ है। तो कुछ भाई लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि भाई आप खंडाधार तो मतलब बहुत हाइट है, बहुत लोग जाते हैं, लेकिन कुछ एकदम केउंजर के पास में कुछ अच्छे अच्छे वाटरफॉल। खंडाधार जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? नहीं नहीं, खंडाधार तो हमारा प्लान में है। हाँ, लेकिन केउंजर के पास में 2-3 वाटरफॉल है, पूरा एकदम पास में 10-20 किलोमीटर के अंदर है। तो वो थोड़ा मतलब एक्सप्लोर करने के सब बोल रहे थे, देखेंगे वो। पहले जाकर के खंडाधार डायरेक्टली पहुंचेंगे। नहीं, केउंजर होके ही जाना पड़ेगा। हां, केउंजर बाईपास लेंगे। बाईपास हो चुका है। आप देख रहे हो ये फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं मिलता। 250 रुपए समर के लिए बढ़िया है। हेलमेट के अंदर पहनो, हेलमेट खराब नहीं होगा तो ले लो। बाल भी खराब नहीं होगा, जिसका बाल भी रहेगा उसका ऑलरेडी। चलो 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 चलो, लेट्स राइड। समर लेके जा रहा है अपना जोड़े स्टैंड है, यूज लेके जा रहा है अपना सीधे सीधे समर लेके जा रहा है अपना ये रे भाई। आशीष भाई बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद भाई। नकल हेलो, कैसे हो? सब बढ़िया है ना? राइड सेफ राइड विद गियर्स। आपको फोटो दिखाऊंगा अभी। हाँ, अभी मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको भी दिखाऊंगा जरूर। तो मैं पहले व्यूअर्स को दिखा देता हूँ। आपको याद है वाला दिन? हाँ बिल्कुल याद है, क्या बात कर रहे हैं। फर्स्ट राइड था आपका? पहली बार में मिला था। ये राय खदी भाई। ओ पहली बार। हाँ, स्ट्रीट ट्रिपल चला था उसने। हाँ, ये मैं रहा पीछे। इतना स्पीड में आप कभी नहीं चलाए होंगे। चेहरा मेरा बहुत कुछ छुपा लेता है। पता है यही चेहरा आया था जब मैंने खती भाई को मांगा था उनका भूसा। खती भाई थोड़ा मेरे गांव में दे आर वेरी डाई हार्ड फैन ऑफ भूसा। तो मैंने कहा खती भाई आपका थोड़ा गाड़ी चाहिए, तो थोड़ा खती है पूरा ऐसे ऐसे करके मुझे कर दिया। अच्छा ठीक है, आ जाना।
नहीं वो क्या उनको पता नहीं तू कॉर्नर में रुकता नहीं अंदर भी घुस जाएगा ठीक है वो कॉर्नर में नहीं रुकता दूसरा भूसा नहीं रुकेगा वो बात नहीं सुनेगा नहीं अच्छा है लेकिन गति भाई का कॉन्फिडेंस था तो मैं बोली ऐसा नहीं मैं भी धीरे धीरे गया धीरे धीरे ओके लेट्स राइड काफ़ी गर्मी है और ये अभी बज रहा है 8:30 एंड अभी से ही गर्मी का एहसास हो रहा है मतलब दिन भर भयंकर गर्मी होने वाली है तो फटेगा आज गर्मी से तो बस फिंगर्स और क्रॉस की कहीं पर ट्रैफिक ना मिले नहीं तो फट जाएगा फिर मेरा हालत ख़राब हो जाएगा जियो कैस्ट्रो पेट्रोल पम्प ये सबसे मुझे लग रहा है मैं फॉरेन आ गया हूँ एंड ग्रीन वाइट जियो ऐप से तो सर कैशबैक मिलेगा क्या बोला पीयूष हाँ दो हजार रिचार्ज 2000 का तेल डालोगे तो 3 महीने का रिचार्ज फ्री हमर को हेलमेट गिफ्ट ना करके सेना गिफ्ट कर देता हेलो अरे चिनी क्या हुआ चिनी आया नहीं अरे यार अबे अभी रेडी हो रहा है हाय आशीष पहले से बता के भी मिस्टर स्लो आ रहा है अरे यार 3 मिनट ना की बने अब बहुत स्पीड जा रहा है वो टोटल स्पीड कितना है इसका टोटल स्पीड इसका है 299 क्या हुआ लोहा नहीं है लोहा नहीं है लोहा पहन के थोड़ी घूमूंगा मैं ये अगर गिरेंगे तो थोड़ा प्रोटेक्शन के लिए जाता है ना अपना डर लगता है डर लगू नहीं नहीं मैंने बिना हेलमेट बोलचो नहीं डर लगू नहीं ओके लेट्स गो थैंक यू हेलमेट पहनो हेलमेट पहले चला जाएगा साले हमर कान फाड़ देता है पूरा यू कैन सी गाइस कि बहुत ट्रैफिक है हाईवे में एंड इट्स सैटरडे जाके भी थोड़ा स्पीड अप नहीं कर पा रहा हूँ एक राइडर शायद जा रहा है वेस्ट बंगाल का राइडर है गुड ब्रो आराम से धीरे धीरे 390 भाई अगर तुम देख रहे हो ब्लॉग तो भाई रोड बना लो भाई क्यों ऐसा कर रहे हो ब्रिज बना दो भाई तो लिक्कू भाई जो है वो झारखंड से हैं एंड ये टेंडर भी वही लिए हैं बाकी चंडीगढ़ से झारखंड तक रोड बन गया है एंड झारखंड के बाद भी ऑलमोस्ट बन चुका है बाकी यही टाउन वाला जो ब्रिज है अभी तक नहीं बना है एंड ये कीचड़ बाप रे ऊपर से ट्रैफिक ये कैमरे में पता नहीं चल रहा होगा काफ़ी धूल उड़ रहा है यहाँ पे सुमन और बाकी मेरे जितने सारे फ्रेंड्स हैं वो आगे हैं ये क्रॉस कर चुके हैं मैं थोड़ा पीछे रह गया हूँ अरे पीछे क्या देख रहे हो अंकल जी तुम लोग हो कहाँ पे हाँ मैं ऑलरेडी उस रास्ते में हूँ ब्रो हैव फन ब्रो लुक एट योर राइट ब्रो जा रहा है लेकिन वापस भी आ रहा है यू टर्न मार के आ रहे हैं साहब नहीं बाइक वाइक नहीं जा पा रहा है क्या जा रहा है तो बाइक मैं लेके चला जाऊंगा ओह अरे मैं ऊपर में ऑफ रोड कर रहा हूँ तेरी माँ का
पूरा मिट्टी मिट्टी सब रोड यहाँ पे ऊपर ई भाई 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 अरे भाई नो कंटेंट प्लीज। हाँ नहीं और भी आगे भी थोड़ा दिख रहा है मिट्टी मिट्टी वाला रोड है, लेकिन कार जा रहा है मतलब बाइक भी चला जाएगा। ऊपर में हूँ एकदम लास्ट में मतलब ट्रैफिक भाई वो धुआं करके गया भाई पूरा एकदम कुछ दिख नहीं रहा। और ठीक है भाई मेरा गलती से मिस्टेक हो गया है आई एम सॉरी। ये भाई ये लद्दाख पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अरे मैं ऊपर फंस गया हूँ भाई 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 और आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। गलती हो गया जब ये क्लियर होगा ना सर पीछे देखना ठीक है मैं कहाँ से गाड़ी निकाला हूँ। देख पीछे देख मैं कहाँ से आ रहा हूँ देख अबे डाइवर्जन है बच गया। तो बड़े हुए गुटे बड़े गुटे गुटे पानी कोली में हम लोग थोड़ा अभी ब्रेकफास्ट करेंगे एंड इट्स 9:25 नाउ। डुकाड़ी का बंद नहीं कर पाएगा राइट साइड में एक है राइट में एक है उस तरफ देखते दिखा है तृप्ति भोजनालय पीछे करो एंड ब्रेकफास्ट यहाँ का ठीक ठाक था बेचारा अच्छा नहीं था कि ज़्यादा बुरा भी नहीं था। बाकी हम सब रेडी एंड थोड़ा बहुत हेलमेट सब साफ कर रहे हैं निकलेंगे खंडाधार वाटरफॉल। एंड ये जो हुआ है पूरा कीचड़ होकर गिरा है फीट पे वो हुआ है वो जारका में काफ़ी कीचड़ था वहाँ पे भाई 1 के अंदर 114 हेलो नमस्कार ब्रो ये तो पागल था यार ये नॉन लॉजिक है जरा ओहो मैंने इनको सुमन रा को जो कर रहा है 50 सीट ये साला आदमी का सकल अच्छी ना बातें अच्छी कर ले कर भाई हमारे गए ऑन डिमांड हम स्टार्ट करके रखेंगे चलो ऑन डिमांड बट ओनली बिकॉज ओपन रोड है हाँ भीड़ नहीं है कोई ट्रैफिक नहीं है नहीं तो बहुत जगह पे लोग बोलते हैं भैया इधर एक मिली चलो क्या हुआ वो कुछ मिस कर गया फोटो नहीं लिया है अरे फोटो लिया तो आगे चलो पीछे जाम हो जा रहा चलो अरे इधर आगे आ जा अरे सलाम वालेकुम भाईजान चलो जल्दी चलो अबे साला वो बैग जल गया है पूरा जल गया है कपड़ा वपड़ा सब गया बोल रहा था ना कुछ जल अरे भाई ये लग गया ना ओ चलो 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 भीड़ हो रहा है बेकार में
अच्छा हम लोग बोल दिया ना, नहीं तो कुछ भी हो सकता था, मिसअप हो सकता, बच्चा भी था वहाँ, छोटा बच्चा भी था ना। चलो लेट्स गो। सिंगल रोड में भी एक लेन खराब है। तुम तो बड़े फेवरेट ड्राइवर। केवंझर यहाँ से राइट दिखा रहा है 9 किलोमीटर, हमको जाना है खंडाधार। नहीं मुझे नहीं पता, यहाँ पे कोई कुछ बंदे हैं हाथ दिखा रहे हैं, पूछ रहे थे उनसे। अच्छा मैं इसे पूछ रहा हूँ कोई दोस्त। हेलो भाई, हाय। अब हमारो खंडाधार सीधा तो सीधा जाना पड़ेगा खंडाधार के लिए। हाँ जी हाँ जी, शॉर्टकट होगा। अरे भाई थैंक यू थैंक यू। हाँ आज नहीं कल करेंगे, कल मिलेंगे, होगा तो जहाँ पे होटल होगा वहाँ पे आ मिल लेंगे, ठीक है। हाँ अरे तुम कहाँ पर हो भाई? अरे रिलैक्स 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 रिलैक्स। चलो ले लो फोटो ले लो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मिलते हैं मिलते हैं, मैं तो केयूंझर में हूँ, 2 दिन रहूँगा, मिलेंगे ठीक है। चलो बाय बाय। अरे सी से कोई स्ट्रेट नहीं जीवन में कुछ, हाँ ये शॉर्ट होगा बोल रहा है, सीधा जाने से शॉर्ट होगा, वही रास्ता है। चलो राइड खंडाधार के लिए। थैंक यू। हाँ छावल किलर। हम पहुंच गए हैं खंडाधर वाटरफॉल, लेकिन मेरे जो दोस्त लोग हैं वो थोड़ा ज़्यादा खुश नहीं है क्योंकि वो बहुत ओवरराइप करने का इसका आदत है ना। ओवरराइप मैंने कुछ नहीं किया, आदत है। ओवरराइप क्या है? खंडाधर वाटरफॉल ओडिशा का सबसे अच्छा वाटरफॉल है कि नहीं? इससे भी अच्छा वाटरफॉल कौन है बोल, कौन सा तेरे हिसाब से बेस्ट का डेफिनेशन क्या है? जो अच्छा दिखता होगा। अच्छा अच्छा दिखता होगा मतलब तेरे हिसाब से क्या है? मतलब ज्यादा हाइट से पानी गिर रहा होगा, अच्छा ज्यादा पानी अच्छा होगा या फिर ज्यादा हाइट से अच्छा है? डेफिनेटली हाइट से ज्यादा होने से वाटरफॉल ज्यादा अच्छा है। मेरे हिसाब से वाटरफॉल मतलब हाइट हो ना हो, इट शुड बी विजिबल, पानी अच्छा होना चाहिए एंड इट शुड बी रीचेबल। ये जो हम लोग आए हैं ये है केयूंझर वाला खंडाधार, और एक सुंदरगढ़ वाला खंडाधार भी है, वो शायद दूसरी तरफ एक्चुअली मतलब नॉर्मल भी होता है अगर रोड अच्छा होता है। रोड टू द वाटरफॉल इज एक्चुअली वेरी अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा नहीं तो हमारे बाइक्स पे तो बहुत ज्यादा टायरिंग है। बाकी आशीष वहाँ पे क्या आसन करेगा ना क्या? अभी जाएंगे ऊपर और आपको वाटरफॉल दिखाएंगे। केयूंझर से अराउंड कितना 50-60 किलोमीटर, लेकिन लास्ट 30-40 किलोमीटर मतलब रोड है, मतलब इतना अच्छा रोड नहीं है, मतलब कंडीशन जो रोड का है वो थोड़ा पैची कंडीशन है, तो इसलिए इस बाइक में कार वार में ठीक है लेकिन इस बाइक में इतना अच्छा नहीं है। सो फिलहाल मैं ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन सुमन या चिचिन पीयूष आशीष समर ये लोग सब नीचे रुक गए, एंड थैंक्स टू दिस गाइज
ये लोग जोड़ा से आए हैं यहाँ पे हम लोगों से मिलने के लिए, थैंक यू सो मच। एंड मेरे साथ अभी ट्रेक कर रहे हैं वाटरफॉल तक। वाटरफॉल एक्चुअली ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली 200 मीटर होगा, उतना भी ये लोग चढ़ाई नहीं करना चाहते। चलो कोई नहीं, आई विल एक्सप्लोर एंड आई विल शो यू द वाटरफॉल पूरा पास में जाके। अभी पानी का फ्लो इतना स्पीड में नहीं है लेकिन काफ़ी फ्लो रहता है यहाँ पे जब बारिश के टाइम में। दो दो खंडाधर वाटरफॉल है, वो एक तो यहाँ पे है और एक सुंदरगढ़ में है। यहाँ पे थोड़ा मतलब हवा में तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पानी को होके आ रहा है। बाकी नहाने को बड़ा मन कर रहा था लेकिन टावर वाला लाया नहीं हूँ, डेफिनेटली नहाता है यहाँ पे। कोशिश करता हूँ अगर कहीं पर अरेंज होता है तो थोड़ा नहाएंगे यहाँ पे, आधा घंटा बैठेंगे। लिखा लिखा है, अरे फोटो वोटो कोई खींच रहा है हमारा, अरे इसको कैसे पता था हम लोग यहीं पे आ रहे हैं। हाय ब्रो, हाय, ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है, ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। ये जरा गाड़ी वाले नहीं होता मुझे बोलना, मैं खींच लूंगा दिखा दी। गाड़ी कहाँ रखना है, हाउसकोट में भी है सिटी के अंदर भी नहीं जाना पड़ा है। फतेह भाई तुझे पता कैसे लगा? ये मोटू कौन है? ये मोटू कौन है? हैं? अरे तब तो तुम लोग ना वॉलीबॉल चूस रहे थे, हम लोग राइड कर रहे थे। हमें थोड़ी ना बुड्ढे पता है कि बुड्ढे के साथ घूमने घूम रहे हैं हम लोग। 10 साल पहले अगर शादी किया होता तो 9 बच्चे होते थे। तो समझ जाओ दोस्त लोगों, हम अभी जवान हैं, ये अभी बुड्ढे हो चुके हैं, बस बात करता हूँ। 10 साल पहले तो 9 बच्चे होते, वो तो 13-18 बच्चे होते। एक्चुअली जापानीज जो जितने ब्रांड्स है ना उनको समझ में नहीं आया कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क क्या है भाई? चार सिलेंडर, चार 10-11 बजे तक अब गाड़ी चल रही होगी ना हाईवे पे, और जब ये वाला सब जल रहा होगा तब जाता नहीं ज्यादा आएगा। नहीं, टॉर्क यहाँ से आकर यहाँ खत्म हो जाता है, ठीक है, यहाँ से आके यहाँ खत्म हो जाता है। इनलाइन फोर यहाँ से चालू होके यहाँ निकलता है। ओ माय गॉड, वी आर नॉट जेलस। गाड़ी देखो, ये रोड़ो लुकू